पंप अटेंडर बैठे नगर पालिका सीएमओ के दफ्तर के बाहर, अभी तक नहीं मिला वेतन, वेतन नहीं मिला तो देंगे धरना। शिवपुरी में पंप अटेंडरों को नहीं मिला इस माह का वेतन। नगर पालिका सीएमओ के दफ्तर के बाहर आज सुबह से ही धरना देकर बैठ गए और वेतन की मांग करने लगे। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ एवं आजाक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल कोड़े शिवपुरी ने बताया कि पंप अटेंडर का इस माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है, इसलिए सभी पंप अटेंडर सुबह से ही नगर पालिका सीएमओ के दफ्तर के बाहर धरना देकर बैठ गए। उन्होंने मांग की है कि जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वह पंप अटेंडर काम नहीं करेंगे और नगर पालिका में ही बैठे रहेंगे। पिछले हड़ताल के समझौते में यह तय हुआ था कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में वेतन डाल दिया जाएगा, लेकिन आज 13 तारीख होने को आई है लेकिन अभी तक वेतन नहीं डाला गया है। साथ ही सफाई कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल होंगे और धरना देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमल किशोर कोड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ और आजाद संघ शिवपुरी। आज आप सीएमओ ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, क्या कारण है? सीएमओ साहब से मिलने आए हैं और मेरे साथ मेरे सभी पंप अटेंडर भाई आए हैं, क्योंकि इनका वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। आज 13 तारीख हो गई है। पिछली हड़ताल के समझौते में ये तय हुआ था कि 1 तारीख से 5 तारीख तक सभी कर्मचारियों को उनका वेतन वितरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज 13 तारीख हो गई, अभी तक वेतन का कोई अता पता नहीं है। कितने महीने से वेतन नहीं मिला? इसी महीने का वेतन है जो इनको नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण है ना देने का? कारण तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी सीएमओ साहब से बात हुई थी क्या आपकी? सीएमओ साहब ने ये कहा है कि मैं 10 मिनट में एसडीएम साहब से मुलाकात करके आपको आके जवाब दे रहा हूँ। वेतन नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? वेतन नहीं मिलेगा तो हमारा अगला स्टेप ये है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक ये सारे पंप अटेंड यहीं रहेंगे, ऑफिस में ही सीएमओ साहब के कक्ष के सामने बैठेंगे। धरना देंगे आप? धरना देंगे। सफाई कर्मी भी आएंगे सब, तो सफाई कर्मियों को भी बुलाया जाएगा, सफाई कर्मी इनके सपोर्ट में सब यहाँ बैठेंगे, तो सभी कर्मचारी। क्या उनकी भी सैलरी नहीं मिली क्या? उनमें भी कुछ लोगों की नहीं मिली है, कुछ की मिल गई है। तो ये आश्वासन तो पहले भी दिया था आपको, उसके बाद भी उन्होंने नगरपालिका लगातार झूठ बोल रही है। जब हड़ताल हो जाती है और कर्मचारी अपनी डिमांड करने लगते हैं तो एक ये समझौता पत्र लेके तैयार हो जाते हैं और हमारी सारी मांगों को मान्य कर लेते हैं, उसके बाद ढांक के 3 पत्ते। आप यहाँ कितनी देर से बैठे हुए हैं? मैं यहाँ करीबन 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ। तो आपसे कर्मचारी करीबन यहाँ पे 10 बजे से लगातार बैठे हैं। सीएमओ साहब आए थे, सीएमओ साहब ने कहा कि हमने फाइल अध्यक्ष के यहाँ भेजी है आपकी नोट शीट बनाकर। अरे नोट शीट क्यों, वेतन का पत्रक बन के जाना चाहिए था, चेक बन के जाना चाहिए था वेतन का। तो आप यहाँ से नहीं रहेंगे अब तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी? नहीं, तनख्वाह लेके जाएंगे। आपसे जिस भी अधिकारी को उनको बुलाना है वो यहाँ आए और तनख्वाह पे इनके पे दस्तखत करें और उनकी सैलरी बैंक में भेजें। अध्यक्ष साहब आपसे मिलने आए थे क्या? अध्यक्ष साहब आए थे? अध्यक्ष साहब भी नहीं आए, अभी अध्यक्ष से हमारी ऐसी कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ का अकाउंटेंट तो हमको ये बात बताते कि तनख्वाह ना मिलने का कारण क्या है। ठेकेदारों के कम से कम 1,000 ठेकेदारों के बिल पड़े हैं जिनका भुगतान किया है लगातार इन्होंने, जिसमें इनको अच्छी मोटी रकम का मुनाफा हुआ होगा।